जिस मकसद से इजरायली सेना ने गाजा पर जमीनी आक्रमण किया था, अब ऐसा लग रहा है कि हमास को उखाड़ फेंकने का इजरायल का सपना सपना ही रह जाएगा, क्योंकि पहले हिजबुल्ला, फिर हूती और अब ईरान के हमलों से इजरायल चौतरफा घिर चुका है। और इन हमलों की वजह से गाजा के भीतर हमास को भी संभलने का मौका मिल गया है, और यही वजह है कि अब हमास की सैन्य शाखा अल कासिम ब्रिगेड और अल कुज ब्रिगेड ने एक बार फिर से आईडीएफ को दहलाना शुरू कर दिया है। इसका जीता जागता सबूत ये वीडियो है जो अल कुज ब्रिगेड ने जारी किया है। ये वीडियो खान यूनिस शहर का बताया जा रहा है, जिसमें अल कुज के लड़ाके आईडीएफ के सैनिकों को स्नाइपर ऑपरेशन में ठिकाने लगा रहे हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि दूर खड़े इजरायली सैनिक पर अल कुज के लड़ाके एक घर के भीतर से घात लगाकर निशाना लगाते हैं, और फिर आईडीएफ का जवान अचानक से जमीन पर गिर पड़ता है। इसके बाद कुछ ऐसा ही हमला अल कुज ने गाजा के अल जबालिया में भी किया है। यहां पर अल कुज के लड़ाके ने दूर खड़े आईडीएफ के कुछ जवानों पर मशीन गन से ताबड़तोड़ फायरिंग की है। वहीं दूसरी तरफ ज़ेरोट और गाजा एनक्लेव में भी अल कुज ब्रिगेड के लड़ाकों ने उमर अल कासिम फोर्सेस के साथ मिलकर इजरायली सेना पर धावा बोल दिया। यहां पर अल कुज के लड़ाकों ने जमीन में गड्ढा करके पहले उसमें मिसाइल लॉन्चर बिछाए और उसके बाद उसमें मिसाइलें भरकर उन्हें इजरायली सेना की तरफ रात के अंधेरे में दनादन दागना शुरू कर दिया। हालांकि हमास के इन हमलों में आईडीएफ को कितना नुकसान हुआ है, अभी तक इसको लेकर कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इन वीडियोस से एक बात तो साफ है कि गाजा में अभी भी इजरायल की राह इतनी आसान नहीं है।